करीम भाई आपसे कोई मिलने आया, बाहर आपका इंतजार कर रहा है। फरमाइए। मैं कृष्णा, राजू का भाई। मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। अब कहाँ मिलेगा वो? आओ मेरे साथ। राजू और चंदू दोनों सगे भाइयों से भी बढ़कर थे, दोस्ती की मिसाल। दोनों को अंडरवर्ल्ड पर राज करने का भूत सवार हो गया था। राजू और चंदू, इन दोनों के नाम से हर कोई कांपता था। एक दिन उनका सामना अंडरवर्ल्ड के एक बेताज बादशाह से हुआ, इमरान भाई, और वहीं से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम यहां मत रहो। उनको पता नहीं चलना चाहिए तुम यहां हो, पीछे छुप जाओ। कौन गाड़ी देने को मना किया? कौन है? वो रहा। ओए, साले अंडे में और इतना तेवर। ए अमर, उस बच्चे ने क्या किया, उसे क्यों मार रहे हो? क्या रे करीम, गाड़ी देने को मना क्यों किया? तुम कार का गलत इस्तेमाल करते हो, इसलिए हमने नहीं दी। हमें परेशान मत करो। ऐसा क्या, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है क्या? तुम नहीं चाहते हो क्या तुम्हारा ट्रैवल एजेंसी का धंधा ठीक ठाक चले? हाँ, कल से गाड़ी भेज देना। चलो साहब। उस दिन बार में जो आपके बारे में पूछ रहा था, वो लड़का इधर ही खड़ा है। ए, गाड़ी रोक। पीछे ले, पीछे ले। वो रहा उधर। ए, उसको यहां ले गया। उसने क्या किया है, उसे क्यों बुला रहे हो? वो तो अभी चेन्नई से आया है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बेचारा ये तो अपाहिज है। तू क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है बे? ए, उसको ले क्या? सुना है वो मेरे बारे में पूछताछ कर। ए, चल बे। कौन है बहरा क्या साले? चल। पता चला ये अपने भाई को ढूंढ रहा है। अमर देखो, इसे जाने दो, इसने कुछ नहीं किया है, प्लीज। तू हट ना करी। अरे तू हट ना करी बीच में से। कहां से आया बे तू? तेरे भाई के बारे में तुझे क्या जानने का है? बैग में क्या है रे? बैग दे। इसमें कुछ नहीं। बैग दे इधर प्लीज। ए, देख इसमें क्या है। तुमने इसको बताया नहीं, इसका भाई मर चुका है। अभी तक तो पानी में कीड़ों ने उसको खाकर हजम कर लिया होगा। मैंने तेरे भाई को मारा, मैंने, समझा? तेरे को भी ठोकू? अमर नहीं, इसी बंदूक से तेरे भाई को भी मारा था, समझा? समझा इसे करीम, समझा इसे। मरे हुए मुर्दे जिंदा नहीं होते कभी, इसीलिए थोड़ा ठंडा ले, वरना मेरी हट गई ना तो यहीं पे ठोक दूंगा। देख कितना गुस्सा आ रहा है इसे। एक काम कर यार, इसकी भाई की खोज यही खत्म कर दे, इसे भी उसके पास भेज दे। थोड़ा दे साले को। नहीं अमर, इसे जाने दो प्लीज। उसे छुड़ाओ कोई, उसने कुछ नहीं किया है, छोड़ो। गाड़ी स्टार्ट कर। उसे जाने दो, छोड़ो उसे। नहीं, उससे कहो उसे नहीं मारे, छोड़ो उसे, छोड़ो अमर। नहीं,
दो गोलियां मारकर तू मुझे खत्म कर देगा। मैं राजू हूं, मेरी मौत का फैसला मैं करूंगा, तेरी मौत का फैसला भी मैं करूंगा। धोखेबाज राजू, अगर उनको पता चल गया कि तुम आ गए हो तो खौफ के मारे ही मर जाएंगे। जो मेरी असलियत जान गए थे वो अब नहीं रहे। जब तक मैं ये ना जान लूं कि असली गद्दार कौन है, तब तक मैं राजू नहीं, कृष्णा हूं। इसे राज ही रखना।
राजू, तुम कुछ वक्त के लिए आराम कर लो। मैं यहां आराम करने नहीं आया करीम भाई। जब आंखें बंद करता हूं तो चंदू का खून से लथपथ चेहरा दिखता है। मेरे अंदर बदले की आग लगी है। मैं भी उसे कहां भूल पाया हूं राजू, मैं समझ सकता हूं। अब तुम आ गए हो तो हम हकीकत का पता लगा लेंगे। मुझे बताइए क्या हुआ था उस दिन। एक जरूरी मीटिंग थी उस दिन, आखिर में प्लान बदल गया और मुझे बोले तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं ले गए। तुम्हारे और चंदू के जाने के बाद पूरा गैंग ही बिखर गया। चंदू के जनाजे में एक ही शख्स नहीं आया था, वो था जैकी। अगर हम उसे ढूंढ लें तो पता चल सकता है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। करीम भाई, मैं जानता हूं वो हमें कहां मिलेगा हॉर्स रेस में। रेस के घोड़ों से भी तेज दौड़ने लग गया है तू। कहां भाग रहा था धोखेबाज? क्यों बोलती बंद हो गई? तो क्यों छुपते फिर रहा है तू? अब चुपचाप अपना मुंह खोलेगा या फिर मैं खुलवाऊं? बोलता या खत्म कर। नहीं रजवाई, नहीं रजवाई, जो जो चुपता फिरता हो जरूरी नहीं कि वो गुनहगार हो। मैंने कुछ नहीं किया। जो जो मौत से डरता हो वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागता है राजू भाई। मां कसम राजू भाई, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जॉनी ने मुझे आने के लिए मना किया था, बोला आज तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा ऐसा क्यों भाई, तो मेरे को बोला ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने बोला वैसा ही कर, और मुझे बोलता है मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। मैं उसी समय समझ गया कुछ तो पंगा है। और भाई मैंने आपको फोन भी लगाया था लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। और फिर
मैंने चंदू भाई का फोन लगाया, लेकिन चंदू भाई के बदले जॉनी जॉनी ने फोन उठाया और मेरी माँ बीमार है, वो ऐसी ऐसी बातें करने लगा। उन लोगों ने चंदू भाई के साथ क्या किया मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो वहां से भाग गया था। मैं सच कहता हूं भाई, माँ कसम खा के बोलता हूं। जॉनी कहाँ है? उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा भाई।